दुनिया को जानने की ललक जो इंसान में थी, उसने उसे यात्राओं के लिए बहुत प्रेरित किया। इसके साथ साथ एक और थी कि जब यह यात्रा पूरी होती थी और जब एक नई जगह के बारे में दूसरों को बताया जाता था, लोगों में बड़ा उत्साह होता था और एक बड़े उत्सुकता जागती थी नई जगहों को जानने के लिए। और वो प्रेरित करते थे, जो शासक हुआ करते थे, जो संपन्न हुआ करते थे, वो ऐसी यात्राओं को प्रायोजित करने का प्रयास किया करते थे। आपने जिस पहली यात्रा के बारे में सुना, मार्को पोलो की यात्रा, वो बड़ी ऐतिहासिक थी। उससे कुछ समय के बाद कोलंबस ने भी अपनी यात्रा की और उसकी यात्रा भी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई। उसने अमेरिका के बारे में लोगों को बताया और इन यात्राओं के बाद पुर्तगाल भी चाहने लगा कि उसके नाविक, उसके लोग दुनिया के और उन हिस्सों के बारे में जानें, दुनिया को बताएं जिसके बारे में अभी तक केवल सुना गया था, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ नए रास्ते तलाशे जाएं, ये पुर्तगाल के लोग भी चाहते थे। पुर्तगाल का एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाविक था, जहाजी था, जिसका नाम आपने अपनी किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भी अपने एक यात्रा की शुरुआत की। वह हिंदुस्तान पहुंचना चाहता था। उसने अपने साहसी और ताकतवर नाविकों के साथ एक यात्रा की शुरुआत की पुर्तगाल के बंदरगाह लिस्बन से। ये बड़ी ही कठिन और बड़ी जटिल यात्रा थी। अफ्रीका, जिसे आप नक्शे में देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना लंबा क्षेत्र था, कितनी लंबी दूरी थी, वो अफ्रीका के पश्चिमी किनारों से, समुद्र से होते हुए आगे बढ़ा और सबसे पहले वो केप वर्डे द्वीप पे पहुंचा। केप वर्डे द्वीप के बाद उसकी यात्रा आगे शुरू हुई और उस समय तक जो बहुत ही अनजान समुद्र था, जिसे हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं, उस समुद्र में अभी तक किसी ने यात्राएं नहीं की थी और उसके बारे में कुछ जानकारी भी लोगों के पास नहीं थी। लेकिन वास्को डी गामा और उसकी पूरी टीम उस रास्ते पर, उस समुद्र में आगे बढ़ी और अफ्रीका के निचले हिस्से में, लगभग आप पश्चिम दक्षिण हिस्से में देख रहे हैं, वहाँ के कुछ द्वीपों पर पहुँचा और उनके किनारों के बंदरगाह से होते हुए एकदम नीचे में, आप देखिए, अफ्रीका के एकदम निचले हिस्से में केप ऑफ गुड होप बंदरगाह था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद जो इतनी लंबी यात्रा हुई थी, इससे उसके नाविकों में थकान सी आने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब हमारी यात्रा यहीं रोक देनी चाहिए और यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। लेकिन वास्को डी गामा के अंदर वो इच्छा थी जिसको लेकर उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो चाहता था कि अगर हमने इतनी लंबी कष्ट भरी यात्रा कर ली है तो इसे आगे जारी रखना चाहिए। उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। लेकिन जब वो अफ्रीका के पूर्वी तटों की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उसके साथियों में एक स्कर्वी नाम की बीमारी हो गई। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा, उनके दांत गिरने लगे और भी कई तरह की परेशानियां उन्हें होने लगी। और इस समय तो उनके साथियों ने हिम्मत हार दी और उनसे कहने लगे कि अब हमें वापस पुर्तगाल वापस जाना चाहिए। एक बार के वास्को डी गामा को भी लगा कि शायद इसके आगे की यात्रा संभव नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत यहाँ भी नहीं टूटी। उसने अपने साथियों की भी हिम्मत बढ़ाई और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। थोड़ा आगे जाने पर मोजाम्बिक के नज़दीक उसकी मुलाकात कुछ अरब व्यापारियों से हुई। अरब के लोग व्यापार के सिलसिले में हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे, उन्हें हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ थीं। ये सारी बातें उन्होंने वास्को डी गामा के सामने रखी। वास्को डी गामा ने जब उन अरब व्यापारियों से भारत के बारे में सुना तो उसके अंदर की जो इच्छा थी भारत को देखने की, वहाँ तक पहुँचने की, वो और तीव्र होती गई। उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और फिर आगे की यात्रा उनकी जारी हुई। आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं कि मोजाम्बिक के पास से उसका रास्ता कैसे बदलता है और भारत के पश्चिमी तट पर आज जो केरल है उसके कोझिकोड बंदरगाह, जिसे हम कालीगढ़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ उसकी यात्रा पूरी होती है। और ये तारीख है 20 मई 1498। तो इस तारीख को उसने अपनी ये यात्रा पूरी की। वास्को डी गामा की ये जो यात्रा थी वो अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम था। दुनिया के इतिहास में इतनी लंबी यात्रा एक बड़ा मायने रखती थी और इस यात्रा के माध्यम से उसने समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके साथ जो यूरोप का पश्चिमी हिस्सा था वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ सका। वैसे तो थल मार्ग से आने के रास्ते लोगों को मालूम थे, जिसे हम ऋषभ मार्ग के नाम से पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन समुद्र के रास्ते से अफ्रीका को पार करते हुए हिंदुस्तान तक पहुंचने का ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कारनामा था जो वास्को डी गामा ने किया।
इस यात्रा के बाद व्यापार के नए रास्ते खुले, नई संभावनाएं खुलीं।